मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में गुरुवार को कृषि निर्यात कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग द्वारा निर्यात बढ़ाकर किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार की कई लाभकारी योजनाएं हैं, जिनके जरिए किसान अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार कर नई तकनीकी को अपना कर अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग समेत सभी सरकारी विभाग इसके लिए हर संभव उनका सहयोग करेंगे। कृषि योजनाओं के लिए नाबार्ड से न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर कार्यशाला को आयोजित करने का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों को जागरूक करना है, जिससे कि किसान अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। कृषि उपज को कृषकों से सीधी खरीद के लिए कृषि मंडी उपस्थल की भी व्यवस्था की गई है। कृषि भंडार गृह, जिनकी न्यूनतम क्षमता 4 टन और क्षमता 10 टन प्रतिदिन हो, मंडी उक्त स्थल के लिए, एफपीओ, निर्यातक किसान सहकारी समूह आदि कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार से मंडी स्थल घोषित करा सकते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय में सरकारी सार्वजनिक उपक्रम, निगम सहकारी समूह, खाद्य प्रसंस्करण विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। कृषि उत्पाद के मूल्य पर मंडी शुल्क का 75% और मंडी समिति को भुगतान करना होगा। 25% तक की धनराशि प्रयोक्ता प्रभार के रूप में इकट्ठे की जाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपोर्टर्स, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हम सीमा स्टैंडर्ड्स वेयर हाउस और जो आपका जो प्रोसेस यूनिट है, इंडस्ट्री है आपका, उसका इंस्पेक्शन, साथ ही साथ जो आपको ट्रेनिंग और इस तरह का जो आज जैसे आपका आज क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आज किया जा रहा है, इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर आप अलग अलग कार्यक्रम करती है आपको।